सो गाइस फाइनली हमारा ये मैंगलोर का ऑसम जर्नी ख़त्म हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं मुंबई और हम उडुपी से ट्रेन बोर्डिंग करने वाले हैं एंड ट्रेन उडुपी से हम ट्रेन लेने वाले हैं एंड जाने वाले हैं मुंबई हमारे घर। तो ये ऑसम जर्नी था हमारा मुंबई से मैंगलोर का और मैंगलोर में फ़न बहुत किया एंड भी हम जा रहे हैं फ़िलहाल घर हमारे मैंगलोर से मुंबई और ये मेरा लास्ट ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा उडुपी स्टेशन में एंड अगर आपको मेरा जो भी पहले का व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालूँगा, उसमें मुझे बताना कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया कि नहीं। तो बस मैं आपको मिलता हूँ सीधा उडुपी स्टेशन में एंड तब तक के लिए बाय बाय। गाइज हम लोग उडुपी स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं हम उडुपी स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड हमारा ट्रेन एक्चुअली 3:45 का है एंड अब बज रहा है 3:10, तो हमें और हाफ एन आवर लगेगा हमारा ट्रेन आने में। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा ट्रेन में, तो तब तक के लिए बाय। तो गाइज इस ट्रेन के बाद ट्रेन आने वाला है, ये ट्रेन के बाद हमारा वाला है अराउंड कुछ 15 मिनट्स के बाद हमारा ट्रेन आने वाला है। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं स्टेशन में ही, तो देखते हैं ट्रेन आने के बाद मैं आपको सीधा मिलता हूँ ट्रेन में, क्योंकि अभी इसके बाद ही हमारा ट्रेन आएगा शायद तब। तो तब तक के लिए बाय। तो गाइस अनाउंसमेंट भी हो रही है एंड अब हमारा ट्रेन भी आने वाला है। सो ऑलराइट गाइस हम लोग अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये उडुपी स्टेशन अभी जा रहा है। तो हम जस्ट ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड ये मेरे दादाजी है जो मैंगलोर से हमारे पास आए उडुपी तक बाय ट्रेन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मुंबई, तो मैं बीच बीच में स्टेशन में उतरता रहूँगा एंड आपको भी बताऊँगा कि मैं कौन से स्टेशन में उतरूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ऑलराइट गाइस अभी आ गए अपना कल अभी आ चुका स्टेशन, ये देखिए भटकल आ चुका है।
जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मुर्डेश्वर स्टेशन आ चुका है, ट्रेन भी बिल्कुल रुका है। ये सिफिया स्टेशन में 2 या 3 मिनट हॉल्ट करता है ये ट्रेन। एंड मैं मुर्डेश्वर टेम्पल जाके आ चुका हूँ। मैं आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अभी तो फिलहाल ट्रेन चालू होने में टाइम है, 2 या 3 मिनट है, क्योंकि अभी जस्ट ही स्टॉप हुआ है। और तो मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर, क्योंकि अभी समझो जल्दी से जल्दी चालू हो गया तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं शूट अभी बंद कर रहा हूँ और जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर। ऑलराइट गाइज, अभी आ चुका है कुमटा स्टेशन। एंड यहाँ पर ज़्यादा टाइम ट्रेन नहीं रुकता, यहाँ पर 1 मिनट ही ट्रेन रुकता है, 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रुकता है। एंड यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकता, एंड ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकता मतलब ज़्यादा टाइम ट्रेन नहीं रुकता। तो गाइज मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेशन पर उतरूँ एंड शूट करूँ, इफ पॉसिबल तो मैं ट्राई करूँगा। तो अभी तो ट्रेन चालू होएगा तो अभी तो मैं नीचे नहीं उतर सकता, तो तब तक के लिए बाय बाय। ऑल राइट गाइज, अभी भी हम लोग कुमटा स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पर अभी सिग्नल नहीं मिला है, तो अभी भी हम कुमटा स्टेशन में अराउंड हमें आधा घंटा हो चुका है। मुझे लगा यहाँ पे से जल्दी ट्रेन निकल जाएगा, 1 या 2 मिनट का ब्रेक होगा, एंड अभी तो आधा घंटा हो गया है। तो अभी देखेंगे और कितना टाइम ट्रेन रुकता है, क्योंकि अभी तक सिग्नल नहीं मिला इसलिए ट्रेन रुका है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, अभी हम लोग गोकर्ण स्टेशन पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमें उतरने में भी तकलीफ हुई। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं सीधा जाने वाला हूँ ट्रेन में। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो अभी मैं ट्रेन में आ चुका हूँ, एंड मैं अभी जाऊँगा सीधा मेरे सीट पर एंड वहाँ पर बैठ जाऊँगा। सो ऑल राइट गाइज, अभी आप पीछे मेरे देख सकते हो, अभी आ चुका है अंकोला स्टेशन, एंड यहाँ पर अभी रेड सिग्नल ट्रेन स्टॉप हुआ है। रेड सिग्नल है, आपको दिख रहा नहीं होगा क्लियरली, मगर अभी रेड सिग्नल। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा ट्रेन में, एंड अभी मैं मैक्सिमम स्टॉप्स पर नहीं उतरूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉप्स पर उतर चुका हूँ। तो अभी मैं मैक्सिमम स्टॉप्स पर नहीं उतरूंगा, अभी मैं रत्नागिरी, चिपलून, मड़गांव ये सब स्टॉप पर उतरना ट्राई करूंगा। अगर उतर पाया तो उतर जाऊंगा और वहाँ पर शूट करूंगा और देखूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा अगले स्टॉप पर, तो तब तक के लिए बाय बाय। सो ऑल राइट गाइस, अभी आ चुका है कारवा स्टेशन, एंड ये कर्नाटक का बॉर्डर है, तो इसके बाद मड़गांव आने वाला है। तो मैं मड़गांव में उतरने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको ये स्टेशन बता रहा था। मैं नीचे नहीं उतरा क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम में ट्रेन चालू हो जाएगा और मैं तब तक बैठा था, तो मैं सोचा उतरता नहीं हूँ ट्रेन से नीचे, मगर ट्रेन में खड़े रह के तो बोलता हूँ। तो अभी कारवा स्टेशन है एंड ये कर्नाटक का बॉर्डर है, इसके बाद सीधा मड़गांव, एंड ट्रेन भी चालू हो चुका है। तो चलिए मैं आपको सीधा मिलता हूँ मड़गांव स्टेशन पर। अब
अब हम पहुंच चुके हैं मड़गांव स्टेशन एंड है स्टेशन का एग्जिट। अगर आपको गोवा जाना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको मड़गांव स्टेशन पर उतरना पड़ेगा एंड यहाँ से आप एंड बस वगैरह सब रिक्शा ऑटो सब मिलेगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो। एंड अब थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना क्योंकि सब यहाँ पे सब आवाज़ आ रहा है बहुत। तो आप यहाँ से गोवा भी जा सकते हो, आपको बाहर टैक्सी एंड ऑल सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेन अराउंड 10 मिनट्स तो रुकने ही वाला है, तो देखते हैं अभी कुछ क्या करने वाले हैं। अभी तो सीधा मैं आपको मिलूँगा कल शायद तक। एंड ये मेरा छोटा भाई, इसको बार बार ब्लॉग में आने का रहता है, और तो अभी देखते मैं आपको मिलूँगा शायद तक कल या तो रात को मिलूँगा, तो भी देखूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। क्योंकि और कल सुबह हमें पनवेल उतरना है और वहाँ से हमें जाना है हमारे घर, तो पनवेल उतर के हम जाएंगे क्योंकि पनवेल सुबह 4 या 5 बजे आने वाला है, तो हमें उससे 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा। मेरा हाथ भी दुखने लग गया है और मेरा हाथ दुखने लग चुका है, हाँ। तो देखते अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा ट्रेन में, तो तब तक के लिए बाय। हाँ, एक और चीज़ गाइस, अगर आप मड़गांव आओगे तो गोवा भी जाना, और गोवा एक काफ़ी अच्छा प्लेस है। आप वहाँ पे आपको बहुत सारे बीचेस देखने को मिलेंगे। और थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे बहुत साउंड आ रहा है। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा ट्रेन में या तो सीधा अगले स्टॉप पर, तो तब तक के लिए बाय। गाइज, अभी मैं डिनर कर रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे 8:30, तो अभी मेरा डिनर का टाइम हो चुका है, तो मैं डिनर कर रहा हूँ। बिरयानी तो ऑल राइट, मेरे डिनर में ये चावल, राइस और चिकन सुक्का एंड प्रॉन्स सुक्का। मैं आपको एक पोयम बताता हूँ। हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ। उसमें एक राजा और रानी रहते हैं। एक राजा और रानी उन लोग जंगल से जाते रहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो ऑल राइट गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है एंड अभी बज गए कुछ रात के 10, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और मुझे कल सुबह 4 बजे उठना भी है। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा कल सुबह, तो तब तक के लिए बाय। ऑल राइट गाइज, अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं एंड 5 o'clock को हमारा स्टॉप आने वाला है पनवेल। तो अभी आप मेरे फेस को इग्नोर करो क्योंकि मैं जस्ट सोकर उठा हूँ एंड यहाँ पर ठंडी बहुत है कंपैरेटिवली टू कर्नाटका, वहाँ पे बहुत गर्मी है एंड यहाँ पे बहुत ठंडी है। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पर क्योंकि अभी मैं शूट नहीं कर सकता, अभी मुझे लगेज लेकर जाना भी है। तो या फिर मैं आपको मिलता हूँ पनवेल स्टेशन में, तो तब तक के लिए बाय। तो ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं हम पनवेल स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड अभी का टाइमिंग है कुछ अराउंड 5:15, अभी 5:15 हो गया है। एंड आप आज का मुंबई का वेदर रिपोर्ट देखो कितना ठंडा है, सुबह 5 to 6 AM तक अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है शायद, तो मैं जस्ट चेक किया था, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, वो टेंशन मत लेना। आज अराउंड शायद कितना है 20 डिग्री है शायद, तो यहाँ पे बहुत ठंडी है कंपेरेटिवली टू कर्नाटका, तो यहाँ पे बहुत ठंडी भी लग रहा है आज अभी। लेकिन अभी कैसा इधर के ऑरा में आ जाने का तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि मैं अभी इधर नहीं था ना इतना दिन, तो मुझे इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ठंडी लगना चालू हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे ओके हो गया टेम्परेचर, मुझे ठंडी लगना बंद हो चुका है। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं बाय, मैं जा रहा हूँ शायद बाय 4-व्हीलर, तो मैं मेरे दादी और सब लोग आएंगे बाय 4-व्हीलर, तो मैं आपको मिलता हूँ इतना आवाज। तो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ सीधा 4-व्हीलर में और आउट कर दूंगा सीधा घर पर, तो तब तक के लिए बाय बाय।
सो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ एंड ये मेरा लास्ट व्लॉग था मैंगलोर टूर का। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। तो बस फिलहाल बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।